तेजपाल के साथ। तेजपाल को चूंकि उनकी एंटीसिपेटरी बेल चल रही है, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ही होता है कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती तो ये जो प्रोसीडिंग चल रही थी कोर्ट के बीच में वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहती। तो उन्हें गिरफ्तारी से रोकने के लिए कोर्ट ने एक एक्सटेंशन दिया है कल तक की, जब तक कि उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक वो पुलिस की फॉर्मल अरेस्ट से वो दूर है, लेकिन वो पुलिस की निगरानी में रहेंगे जैसे आपकी संवाददाता ने भी बताया अभी हमें। तो कल लेकिन अब ये सिर्फ वक्त की बात है क्या, कल हम ये गिरफ्तार होते देखेंगे? ये बिल्कुल गिरफ्तार होना इनका लगभग 99% तय है, क्योंकि जिस तरह के आरोप हैं प्राइमरी डिफेंस इनके पास अभी इस वक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि विक्टिम का जो सीन ऑफ अकरेंस से जो मिलान हुआ है वो पुलिस के पास एक अच्छा सबूत है। तो मुझे लगता है गिरफ्तारी इनकी तय है। ये बहुत कोशिश की गई इधर, हालांकि शुरुआत में दिखाई दिया जब तक उनको ये लग रहा था कि अगर मैं अपने लोगों के सामने एक रिमोर्स रिपेंट या अटोनमेंट जिसको वो कहते हैं दिखा देता हूं तो शायद यहां बात बन जाए, या हो सकता है उस समय उनको ये लग रहा हो कि प्रायश्चित करने से उनके पाप धुल सकते हैं। लेकिन उन्हें जब ये लगा कि मैं फ्रेम कर दिया जाऊंगा, मैं अभी 6 महीने नहीं हो सकता है हमेशा के लिए पत्रकारिता से जाऊं और मेरे लिए स्थितियां और दुश्वार हो जाएं, तो उनको ये लगने लगा कि ये प्रायश्चित करके मैंने गुनाह तो नहीं कर दिया। जयंती दत्ता जी, उनकी उनकी बातों में साइकोलॉजी के हिसाब से आपको क्या समझ में आया और क्या उन्होंने जो रिएक्ट किया वो वैसा ही स्वभाव है मनुष्य का? देखिए, अक्सर जब हम क्रिमिनल प्रोपेंसिटी की बात करते हैं तो जब व्यक्तित्व की एनालिसिस करते हैं तो उसमें इस तरह की चीज हमें आमूमन देखने को मिलता है कि सुपर ईगो यानी कि आपकी सेंस ऑफ मोरालिटी, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गड़बड़ाती है और आपको ये गिल्ट फीलिंग जो है कतई एहसास नहीं होता कि हमने गलत काम किया। इन्होंने मखोल मखोल में एक अपोलॉजी लेटर दे दिया और कहा बहुत बड़ा काम किया मैंने, इससे ऊपर बात बढ़ाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब आप तमाम आवाम से मैं ये पूछूंगी, जो इन्होंने किया वो एक काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द सेल्फ, वायलेंस अगेंस्ट द प्राइवेट स्पेस। हर इंडिविजुअल की अपनी बॉडी बाउंड्री है, उससे अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, यहां तो प्राइवेट पार्ट से आपने छेड़छाड़ किया। आप लोग विजय जौली जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने उनका गुनाह क्या था? उन्होंने तो नाम भी नहीं मिटाया, सिर्फ कालिक से एक्यूज्ड लिखा और ये भी उनकी प्रॉपर्टी में। और यहां तो हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की जिसके पिता बीमार है, जिनके पिता के ये दोस्त रह चुके, जिनकी बच्ची की ये खास दोस्त रह चुकी है और जिसने ये भी कहा कि मेरे को ऐसा मत करो, इन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा उसे। अब आप देखिए कि इस बच्ची अगर चूक गई 10 दिन में नहीं फाइल कर पाई, इतना आसान नहीं है। जब आपके अपने लोग जिनके ऊपर आपका भरोसा है वही गुनहगार साबित हो जाते हैं तो वक्त लगता है। इंसानी तौर पे, जहनी तौर पे, इमोशनली यू आर अंडर लॉट ऑफ टर्मोइल। तो इस बच्ची ने अगर ऐसा करा, सबसे बड़ी पुख्ता सबूत इसकी ये है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज, प्लस अगर साजिश होती तो ये भाग के अपने कलीग्स के पास क्यों जाती, वहीं पे गई। और इस बच्ची के लिए इस तरह से सामने आना ये बहुत खुद बात है कि अभी भी हम इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों ही मामलों में आसाराम के संदर्भ में भी रुझान ये दिखाने की कोशिश की गई आसाराम के समर्थकों और आसाराम की तरफ से कि अगर वो सच्ची ही थी तो फौरन आकर उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया, जब वो उनके साथ कमरे में थी तो बाहर बैठी मां चुपचाप क्यों सुनती रही, वो कह रही थी कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही थी तो उस लड़की ने चीखा चिल्लाया क्यों नहीं। ये एक तो पहले ही कोई सताया हुआ व्यक्ति होता है, फिर उसने रिपोर्ट कब दर्ज कराई उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल, उसने चीखा चिल्लाया क्यों नहीं उसको लेकर सवाल, ये क्या जले पर और नमक नींबू मिर्च सब छिड़क देने जैसा नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये रुझान से सवाल था, जयंती जी आपके पास आता हूं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोले, क्योंकि ये जब किसी के साथ होता है, जैसे कि अगर आशाराम बापू की वो एक वो स्टूडेंट थी तो वो कभी उसको लगा ही नहीं कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, और जब उसको हुआ वो हिपता गई, उसको एकदम शॉक लग गया कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, और इसलिए उसने वो बेचारी सहमी सी हो गई। पहले तो ऑब्वियसली किसी के साथ भी होगा, जैसे ये तरुण तेजपाल जी की जो ये जो सर्वाइवर है उसके साथ भी हुआ तो उसको पहले शॉक लग गया, शी वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग विद हर, और फिर उसमें से ये लोग उभर के बाहर आते हैं, पहले डर जाते होते हैं इसलिए उनमें हिम्मत नहीं होती है, फिर खुद कुछ हिम्मत करते हैं, और फिर वो जो ये लड़की थी उसने तो तेजपाल जी वाले केस में जो लड़की थी उसने तो जाके उसके फ्रेंड्स को बताया, उसकी वो मींस कलीग्स को बताया, उसने अपने तेजपाल जी की बेटी को बताया, सो आई मीन शी स्लोली कुड कम आउट ऑफ इट कि ये मेरे साथ क्या हुआ। और आई एम श्योर कोई भी हो, कोई भी अपने तो, कोई भी लेडी हो, इट इज नॉट वेरी इजी कि वो उसकी हिम्मत भी हो बाहर बोलने की या किसी को बोलने की, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का माइंडसेट है वो हमेशा यही आज तक
पॉइंट कर रहा है कि भाई लड़की की गलती है, लड़की विक्टिमाइज होती है। इसलिए ये जो भी धीरे धीरे बदल रहा है माइंडसेट, थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू सोसाइटी, थैंक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी एंड जुडिशरी, तो अब ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है। सो अभी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बट इसलिए आपके माध्यम के थ्रू आप ये जो कर रहे हो, मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है कि सब बहनों को कि जब भी हो आप आ जाओ, देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस। इस चीज के लिए हमें जीरो टॉलरेंस रखनी है। भले मैं तो आज भी बोलती हूँ, अगर आपके साथ आज से 5 साल पहले हुआ तो भी आओ, क्योंकि ऐसे भी हमारे जुडिशरी सिस्टम में भी जस्टिस देते देते भी 25 साल निकाल लेते हैं, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है कि अगर मैं 5 साल के बाद आके बोलूं कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी लॉ है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आओ, लेकिन नाउ वी शुड हैव जीरो टॉलरेंस, क्योंकि जब तक हम जीरो टॉलरेंस नहीं रखेंगे तब तक ये होता रहेगा। और कैसे लोगों से होता रहेगा? ऐसे पढ़े लिखे लिखे लोगों से होता रहेगा। शेम ऑन आवर कंट्री, मुझे तो शर्म आती है कि मैं इंडियन हूं। कमलेश जी, आप वकील भी हैं और जाहिर है आप दोनों ही चेहरे देखती होंगी किसी एक इंसान के कोर्ट में, जब वो पहुंचता है अपने वकीलों के साथ पहुंचता है, वकील उसको तौर तरीके और कानूनी पेचीदगियां और उसको कैसे बिहेव करना है, क्या जवाब देना है, ये सब समझाते होंगे। वो एक इंसान के तौर पर खुद भी कुछ होता होगा, लेकिन फिर एक मुलम्मा चढ़ाते रहना उसको खुद के बचाव के लिए बड़ा जरूरी होता होगा। लेकिन आपकी आपकी रीडिंग क्या है? क्या हमारे समाज के तौर पर जो परवरिश होकर जब लोग बड़े हो रहे हैं, तो क्या उनको कहीं सबकॉन्शियस में ये बात बैठ रही है कि गुनाह करो या नहीं करो लेकिन पकड़े मत जाओ? ये जो एक ये वाला जुमला है कि कोई देख लेगा, मतलब जोर इस बात पर है कि एक्ट हो या नहीं हो लेकिन कोई देख लेगा पर ज्यादा जोर है, मतलब उधर देख ना पाए तो ठीक है, क्या ये वाली जहनियत समाज में अमूमन पनप रही है और वही चारों तरफ परिलक्षित हो रहा है? डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हुए लोग ये करते हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश जी, बिल्कुल ठीक। मैंने बहुत बचपन में, जब मैं 5-6 वर्ष की थी, तो मैंने किसी बहुत बूढ़े व्यक्ति को कहते हुए सुना था, बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा। मैंने बहुत दिनों तक बाद में बड़े होकर भी सोचा इसका क्या मतलब हो सकता है। तो यही है हमारे माइंड सेट में, यही बैठा हुआ है कि जो कुछ बातें हैं प्रोहिबिटेड हैं शास्त्रों में, चाहे मोरालिटी में, समाज में, कहीं पर भी, उनको छुप करके कर लो और उजागर मत होने दो। बस उजागर जो हो गया वही बुरा है। तो तब जब उजागर हो जाती है बात, तब फिर लोग हर तरह से ढकने की कोशिश करते हैं और फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मेरे सोच विचार ही ऐसे नहीं है, मेरे साथ ऐसा होना संभव ही नहीं है। एक तरफ मेरी रफ्तार देखिए कि मैं कितने ऊंचे आसन पे बैठा हुआ हूँ, कितना मेरा नाम है, कितना मेरे पास पैसा है, ये सब के बावजूद क्या मैं ऐसा करूँगा? तो ये सब बातें कह कह करके वो अपने मन को बहलाने की कोशिश करता है और उसी तरह का फेस प्रोजेक्ट करता है, समाज में भी करता है, कोर्ट में भी करता है। लेकिन कोर्ट में एक अच्छी बात मैं ये देखती हूँ कि कोर्ट का जो एक साइंटिफिक तरीका है चीजों को निकलवाने का, सच्चाई को निकलवाने का, वो होता है, वो उसके जैसे FIR लॉज हुआ, उसमें कितने स्टैंड बदले किसी ने, या जो डिफेंस लॉयर आया, डिफेंस जिसने ली है, वो कितने स्टेटमेंट्स बदल रहा है, क्यों कितने स्टेटमेंट्स बदल रहा है, उसका हाव भाव क्या है, कैसी मुद्रा है उसकी कोर्ट में, या पोस्ट ऑकरेंस क्या उसका कंडक्ट था, और क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एंड चीफ, ये सब तरीके हैं सच को निकलवा लेने के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चैफ, यानी भूसे से गेहूं निकालना, ये सच्चाई को ढूंढना होता है। इसी छोरी पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बना हुआ है और इससे इसी के कारण तेजपाल जैसे लोग जितना भी झूठ बोलें, वो जितने डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं बीच में और जितनी जितनी कॉरेस्पॉन्डेंट उनकी हो गई है, वो कोई प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है। मान लीजिए इंटरनल ईमेल की जगह कोई डायरी लिखे अक्यूज्ड और डायरी में बहुत सारी चीजें लिखे, तो क्या वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में? आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जितनी भी चीजें हैं, जितने भी साइंटिफिक मेथड्स हैं, वो सब एडमिसिबल हैं। अब कह नहीं सकते तेजपाल की नहीं, हमने तो वो इंटरनल मैसेज दिया था, उसका FIR नहीं हो सकता, इसका FIR नहीं हो सकता। इंटरनल मैसेज अगर आपने दिया भी, आपने 6 महीने की बनवास के लिए जो कहा विड्रॉल फ्रॉम द चेयर, वो किसने किया? तहत आपने कन्फेशन लिख के दिया, अपने ऊपर पनिशमेंट लिया, और किस साजिश के बहकावे में ये बच्ची जो है वो आपको लगता है? लेकिन एक बात और कुमुद सांगवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से, कल भी उनसे चर्चा हो रही थी और उन्होंने इसके कई पहलुओं पर प्रकाश डाला था। कुमुद सांगवी जी, एक बात और जो इसमें सामने आ रही है, उन्होंने अपनी जो वो लाइनें, हालांकि उन्होंने बड़े सोच समझकर वो शब्द चुने थे जिसमें उन्होंने कहा कि दिस वाज अ शेयर लैप्स ऑफ जजमेंट एंड 6 महीने के लिए जब उन्होंने खुद का पद से हटने के लिए सोचा तो कहा कि मैं अटोनमेंट में जा रहा हूं।
मतलब क्या उनको किसी तरह के सिग्नल्स का वो जिक्र कर रहे थे जो गलत वो पकड़ रहे थे या समझ रहे थे, कुछ हाव भाव उन्होंने गलत पकड़े या समझे? क्या उनको उनको ये नहीं मालूम था कि वो किस जिम्मेदार ओहदे पर हैं, बच्चों के पिता हैं, शादीशुदा हैं? क्या ये बातें मतलब उनको उस बात का था कि सिग्नल सही थे या गलत, उनको ये नहीं कि उनका एक्ट उनका अपना आचरण क्या होना चाहिए उसमें क्या सही या गलत है, वो सिग्नल के सही या गलत होने की बात कर रहे थे? ये उस साइकोलॉजी की झलक है जिसे आप कह सकते हैं कि ना उनको ये भ्रम हो गया था, तेजपाल को शायद ये भ्रम हो गया था कि वो स्पेशल व्यक्ति है और वो कुछ भी कर सकते हैं, उस पे पर्दा जाएगा और कोई भी उनके खिलाफ कुछ आवाज निकालने के लिए की हिम्मत नहीं करेगा। आप देखिए उनका जो राइज है, उनका जो राइज है वो इतना सडन है और उन्होंने जो भी स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह ऑपरेशन किए हैं वो सब बहुत सिलेक्टिव थे और वो उनके तेवर कैसे होते थे, तहलका के तेवर कैसे होते थे कि जैसे मैं इनकी बैंड बजा दूंगा या इनको मैं ठीक कर दूंगा या इस तरह के, जो उनमें एक तरह का ग्लैमर पैदा कर रहे थे वो, और अदा भी ऐसी उनकी हुआ करती थी। तो वो जो भ्रम उनको बनता गया, वो भ्रम सारा बनता गया कि मैं एक स्पेशल व्यक्ति हूँ और सब चीजों से ऊपर हूँ, कानून से भी ऊपर हूँ। और शुरू में जो उन्होंने किया, मुझे लगता है दिनेश जी, वो बहुत स्वाभाविक था, वो सही तेजपाल जी थे। उसके बाद जो वो कर रहे हैं वो सब डर के मारे अब कर रहे हैं, अब उनको एहसास हुआ है कि कानून जो अब तक जिसकी वो वकालत कर रहे थे, विमेंस डिग्निटी और गरिमा, स्त्री की गरिमा और स्त्री की इंटीग्रिटी और ये सब चीजें भ्रष्टाचार का, लेकिन ये बहुत अलार्मिंग है अगर ये देखने को मिले कि पहले राजनेताओं को ये समझा जाता था कि ये साम दाम दंड भेद में यकीन करते हैं और कुछ भी करते हैं और बच निकलते हैं और उनकी तरफ सारी उंगलियां उठी रहती थी। अब अगर ये देखने को मिल रहा है कि एक स्पिरिचुअल लीडर जो दूसरों को ये बताता है कि डूज एंड डोंट्स क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अगर वो इस तरह के मामलों में कटघरे में दिखाई देता है, अगर एक जर्नलिस्ट जो ये दिखाता है कि कहां पर बुराइयां दबी छिपी हैं, उन परतों को उघाड़ कर वो स्टिंग का किंग कहलाते हुए चीजों को सामने लाता है और उसकी असलियत ये निकलती है, अगर किसी जज के बारे में कहा जाता है कि वो इस तरह की बातों में मुब्तिला थे और कोई आकर ये शिकायत करता है, तो फिर आदमी सोसाइटी के बारे में और इसके तमाम पिलर्स और सिस्टम्स के बारे में किस तरह का नजरिया बनाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रदर्शनी करूंगा।